रहा भाई? दीदी तुम यहाँ कैसे भाई? बल्ली यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ कैसे? आप लोग तो पूना गए थे ना? पूना? हम लोग पूना क्यों जाएंगे? मुझे परिमल्ला और उस गोलगप्पे ने गोलगप्पा अरे वो अच्छा गोल्डी गोल्डी उन्होंने कहा कि आपके दोस्त को इमरजेंसी में अस्पताल में एडमिट किया है और आपको एकदम अर्जेंटली जाना पड़ा। ये काम ठीक से नहीं कर पाएगी, अब ये लोग सिंगापुर जाए ना जाए मेरे हाथों मारे जरूर जाएंगे। साहब क्या सोच रहे हो? मेरे ख्याल से उन्हें ऐसा लगा होगा कि हम पूना जा रहे हैं। एक मिनट, पर उनको ऐसा क्यों लगेगा टंडन साहब? ये बात भी सही है, उन्हें ऐसा क्यों लगेगा? अरे हाँ मम्मा जी, हम लोग तो घर ही आए थे, देखो आप लोग के लिए आइसक्रीम भी लाए। थैंक यू पुत्र। बट ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। अरे छड़ो, जो बात समझ में नहीं आए उसमें मिट्टी पाओ, घर चलते हैं। नहीं जीजा जी, ये पूछना तो जरूरी है कि ऐसा उन्होंने कहा क्यों। तो चलो ना भाई, परिमल और गोल्डी से घर जाकर पूछ लेते हैं कि आखिर माजरा क्या है। माजरा नहीं, बाजरा होता है। इनको ना बाजरे की रोटी बड़ी पसंद है। ओ इन्हें कुछ बनाना नहीं आता। जब तक बल्ली की माँ जिंदा थी इसे रोज बाजरे की रोटी खिलाती थी। नजरे कमजोर है, कान बहुत तेज है। जब मैं वहाँ सिंगापुर जाऊंगा ना तो मैं राइट से नीचे उतरूंगा ही, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, राइट राइट एंड राइट। मैंने सुना है सिंगापुर में शॉपिंग करने का मजा ही कुछ और है। ये बात है ना अपने तक रखना। क्यों? सुपर भाभी को पता चल गया ना तो उसके हाथ में बैग्स रहेगी और आपके हाथ में कटोरा। रूपल से बचना पड़ेगा। अरे ये देख, अरे हमने इनको पूना भेजा, ये लोग पूना से भी भूपी भाई को वापस लेकर आ गए। क्या करेंगे अब तो फंस गए। भूपी भाई ने कुछ संभाला होगा। हाँ संभाल लिया होगा। पापा जी ने ला क्या? तू बहुत गुस्से में लग रहा है, नहीं छोड़ेगा हमें। जीजा जी। हाँ पूछो इनानु। ओए तुम दोनों ने इनको झूठ क्यों कहा कि हम पूना जा रहे हैं? परिमल भाई साहब, गोल्डी क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? बताओ परिमल अंकल, क्यों? बताओ गोल्डी अंकल, क्यों बोला झूठ? अब आप जैसे ही बड़े लोग ऐसे झूठ बोलेंगे तो हम बेचारे बच्चे कहाँ जाएंगे? बोलो आप। हाँ कहाँ जाएंगे? बोलो बोलो। कुलकर्णी जी। हाँ? हाँ? क्या? क्या हुआ? कुलकर्णी जी ने हमें ये बताया कि आपने कुलकर्णी जी को फोन करके ऐसा बोला कि आप पुणे जा रहे हैं तो हाँ? हमने आके इनको बता दिया। करेक्ट है, वरना ऐसे बल्ली भाई जैसे प्यारे रुष्ट पुष्ट इंसान से हम झूठ क्यों बोलेंगे भाई? ओ जी, वैसे रुष्ट पुष्ट इंसान से झूठ बोलने का मजा मुझे पता है। ओए तू खड़ी नहीं? नहीं नहीं सच्ची, कुलकर्णी जी ने हमें जो बताया वो हमने आगे पास ऑन किया, बस कोई गलती नहीं है बस। ओए कुलकर्णी, ओ पैड़ी पैड़ी बुद्धि पैड़ी। कुलकर्णी जी बुला रहे। ओए मैं तेनु इन्ना कुटापा चाड़ना है ना कि तेरी शकल अखरोट वर्गी हो जानी है, तू ठहर। यार मेरी अरे अरे कुलकर्णी जी, इस उम्र में कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है आपको, घर जाके थोड़ा नींबू पानी पीना है, विटामिन की गोली लो। और सुनो मेरी बात, ये लोग जब तक यहाँ है ना तब तक ना आप उनसे दूर रहो ना तो बचे रहोगे, वरना क्या है बल्ली के हाथ में, आप बल्ली के हाथ में होंगे और आपके हाथ होंगे ही नहीं, क्योंकि बल्ली
फिर क्या हो जाएगा आपका? बड़ी बुट्टी क्या? बड़ी बुट्टी क्या? वो कॉल में माधुरी भाभी को पूछना, वो बताएंगी। बड़ी बुट्टी आ गया, आ गया, घर आ गया। चलो चलो चलो, संभल गया, चलो आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। अरे क्या, कुछ नहीं होगा, आओ आओ। यार आइडिया पे आइडिया फेल हुए चले जा रहे हैं। कल सिंगापुर जाना है, शाम की टिकट है। मुझे नहीं लगता कि नीतू और मैं जा पाएंगे। मैं ऐसा करो, तुम तीनों चले जाओ। गोल्डी, गोल्डी। कैसी बात कर रहे हैं आप भूपी भाई? आपके, नीतू भाभी और चिंकी के बिना हम कहीं नहीं जाने वाले। वही तो, कोई होटल में खाना पसंद नहीं आए तो नीतू भाभी तो होनी चाहिए ना भाई। कैंसिल तो करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार ना सही, अगली बार सही। वैसे भूपी भाई, ऐसे एक टिकट कैंसिल करने में कितना नुकसान होगा? दो बस लाख। यही होता है, ये जो सस्ती वाली स्कीम्स लेते हैं ना, तो यही होता है। इधर ये किस लिए? जले पर नमक छिड़कने के लिए। कैंसिल तो करना ही पड़ेगा ना। कैंसिल कर दिया, फाइनल। मैं चला। कहाँ जा रहे हो? यहाँ से कूदने, अब जी के क्या फायदा? अब जाएगा तो आ जाएगा। क्या हुआ? बाहर बहुत ठंड थी इसलिए नहीं कूदा। अच्छा चलो, उसको जरा शॉर्ट में सिंगापुर भेजते। इधर बल्ली जी। पापा जी किथे तू? इधर हूँ पापा जी। इधर किथे यार? अरे इधर पापा जी, तीन की दिशा में। आ जाओ आ जाओ, नाक की सीध में आ जाओ। अंधेरो 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 अंधेरो। अरे बस 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 बस, यहाँ रुक जाओ। क्यों? अरे क्योंकि इसके आगे जाने के लिए आपको पंख लगेंगे। क्यों? अरे क्योंकि मकान यहीं पे खत्म होता है पापा जी। गरम चाय। हेलो जी। हनी तो बच्ची, दीदी के हाथ की अदरक वाली चाय। यस। ओ दीदी, वो मट्टी और शक्कर पार नहीं लगी? ओ सॉरी, अभी ले आती हूँ। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, ये लीजिए चाचा जी, चाय। दीदी चाय एकदम बढ़िया बनी है, बढ़िया। ओ बल्ली जी। पापा जी, ऐसा लगता है जैसे यहाँ बहुत साल हो गए। पापा जी, वैसे भी इस उम्र में एक एक दिन सालों जैसा ही कटता है। कितना खाएगा? ओ खोते, मुझे पिंडी याद आ रही है, मैं वापस जाना चाहता हूँ। पर चाचा जी इतनी जल्दी क्यों? मैंनू खेतों के बीच जाने का मन हो रहा है। पापा जी, इस बार तो आप सीधा खेतों के बीच ही जा सकते हैं, क्योंकि फसल जो कट गई है। तुम मजाक? चाचा जी पक्का जाना है आपको? हाँ पुत्र। आपका मन है तो मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन जाने से पहले आपको मुझे वादा करना होगा कि आप मुझे जल्दी वापस मिलने आएंगे। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा पुत्र, और तेरे घर का रास्ता भी देख लिया है ना। दीदी हाँ? वैसे पापा जी को दिखता नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर का रास्ता इन्होंने देख लिया है। चुप कर बदमाश, चाचा जी तो फिर भी वादा कर रहे हैं, तू तो मुझे पता बिल्कुल नहीं आएगा। दीदी वो सिर्फ वादा कर रहे, मैं तो आ धमकूंगा। अच्छा मैं टिफिन बना कर ले आती हूँ। ओ मूली के पराठे, डबल रोटी वाले। हाँ बनाती हूँ। सॉरी। अरे गाजर के लिए सॉरी? नहीं नहीं गाजर के लिए नहीं। फिर? बस आज ऐसे ही मन किया सॉरी कहने का तो कह दिया सॉरी। ओहो, ये तुमने टिफिन सर्विस शुरू की है क्या? नहीं क्यों? नहीं तो फिर इतने सारे टिफिन तुम क्या चिंकी के पूरे स्कूल में भिजवा रही हो? नहीं टंडन साहब, कुछ भी, ये तो बल्ली प्रीतो और चाचा जी के लिए है। ओहो, क्या वो भी स्कूल जाने वाले हैं जो उनके लिए टिफिन बना रही हो? अरे वो लोग पिंड जा रहे हैं तो रस्ते के लिए खाना शाना बना रही हूँ। क्या क्या हुआ? वो लोग सचमुच में पिंड जा रहे हैं? हाँ सच में? हाँ बाबा हाँ।
तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने खामखा अभी अभी सारी टिकटें कैंसिल कर दी। अरे कौन से टिकट, काहे के टिकट? और वैसे भी टंडन साहब, मुझे अभी 10 मिनट पहले पता चला तो मैं आपको कैसे बताती? समझ में नहीं आ रहा मुझे सरप्राइज मिल रहे हैं या झटके। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या हो गया टंडन साहब को? ये देखो प्रीतो, एक बार फिर दिखा रहा हूँ, इसको ऐसे ठपते हैं। ओजी तो आप कर दो ना। और बल्ली जा रहे हो आज? ओजी जीजा जी आज नहीं, पुणे जा रहे जी। हाँ जी भाई, हमारा तो ऐसा ही है भाई, पिंड के आदमी है, जब मन करता है टेम्पो निकालते निकल पड़ते। जी हाँ जी हाँ जी। थोड़ा और पहले निकल पड़ता तो टिकट तो नहीं कैंसिल करना पड़ता मुझे अपना। तो ऐसा है कि बस अब मन भर गया तो टेम्पो निकाली और वापस पिंड। टेम्पो लेकर नहीं, तुम मेरी सिंगापुर की वेकेशन भी लेकर जा रहे हो। आइए चाचा जी, आइए। बल्ली, चाचा जी तुझे याद कर रहे थे। सीधा, हाँ आइए आइए आइए। यहाँ बल्ली। बल्ली बेटा उठे चल। बल्ली उठे। पापा जी इधर। बल्ली बेटा, जिस जरूरी काम के लिए आए हैं पहले वो तो कर दे। केड़ा जरूरी काम? खुणे आया पापा जी। बल्ली क्यों आया? कौन सा जरूरी काम चाचा जी? अभी बताते हैं। हाँ ये क्या? हेलो पापा जी। नीतू बेटा, ये हमारी पटियाला वाली हवेली के कागजात हैं और मैं चाहता हूँ कि ये तेरे नाम रहे। नहीं नहीं चाचा जी, मैं कैसे ले सकती हूँ? इस पर तो बल्ली और प्रीतो का हक है। नहीं दीदी, और तेरे इस बल्ली के पास तो उसके खुद का घर है, खेत है, और तो वड्डी गल उसके खुद का टेम्पो है। दीदी इस पर तो सिर्फ आप ही का हक है, क्यों जी? हाँ जी। और दीदी आप भी तो पापा जी और हमारी सबकी लाडली हो, हैं जी? और मैं अपनी बुआ का लाडला। तू तो मेरा सबसे लाडला है, मेरा पुत्र, मेरा छोटा बल्ली है तू। पैसे नहीं तो तुझे सबका लाडला है यार, आई मिस यू। ले बेटा। अब टंडन साहब, ये लोग नीतू को इतना मानते हैं कि 25-50 लाख की हवेली दे दी और मैं इन्हें इज्जत तक नहीं दे पाया और इन्हें भगाने की सोच रहा था। अच्छा जी, आओ पापा जी इधर। हाँ, आज पुत्र। ओए सनी तुसी ना जाओ। अरे चिंकी दीदी जाना तो पड़ेगा ना, चलो मत जाना। आइए आइए फिर आइए। हमारी सारी जिंदगी बीती है गांव में या पेड़ों की छांव में और कहीं जाने का मन ही नहीं करता। अब बच्चों से मिलने का मन तो आ गए। मैं तो कहता हूँ आपको टाइम मिले तो हमारे पिंड जरूर आना। चाचा जी मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगले वेकेशन में पिंड के लिए टिकटें अभी से बुक करा लूंगा, क्यों नहीं तू? हाँ जी पक्का। अरे बल्ली रास्ते के लिए रोटी छोटी। दीदी इसकी क्या जरूरत थी, रखो जी रखो, आप भी केचल कर दिए हैं दीदी। अच्छा जी जी चलते हैं। अगर कोई गलती होगी हो तो छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। गलती मुझसे हुई है और माफी ये मांग रहा है। कितने सच्चे और अच्छे लोग होते हैं ये गांव वाले। जीजा जी जा रहा हूँ, गले नहीं लगोगे? हाँ जी जरूर मिलेंगे। आ जा जी। बहुत याद आएगी आपकी, आप सब की। अरे जीजा जी आपकी आंखें क्यों नम हो गई? अरे नहीं नहीं मामा, पा रो नहीं रहे, वो पा की आंखों में कुछ चला गया होगा, ये रोने वाली पार्टी नहीं है। शैतान कहेंगे। आई लाइक योर पार्टी। बड़ा आंख में नहीं बुद्धि में गया था शायद, तभी तो सच्चे रिश्तों से भाग रहा था। इन्हें देखो, ये हमें अपना सब कुछ देना चाहते थे और हमारे पास इन्हें देने के लिए वक्त भी नहीं है। वैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप सब थोड़े दिनों के लिए और रुक जाते ना तो मजा आ जाता। हाँ रुक जाना बल्ली। जीजा जी हम तो रुक जाते, लेकिन अगर हम रुक जाते तो वो पैड़ी बूथी आपका वो कुलकर्णी उसको अपने पिंड जाना पड़ता। ये ठीक है। टंडन साहब आप क्या आराम से बैठकर टीवी देख रहे हैं? ना नहीं जाना, ऑफिस नहीं जाना है क्या?
घर में इतनी सुंदर बीवी, सामने टीवी और जिंदगी में रखा ही क्या है? एक काम करिए, मेरे साथ किचन में चलिए, वहाँ बहुत सारा काम रखा है, जाइए जाकर नहा लीजिए। यार तुमने मेरे सारे अरमानों पे तो दो मिनट में पानी फेर दिया, अब नहाने को बचाई क्या? वैसे भी आज ऑफिस में काम कम है, लेट जाऊंगा और नहा भी थोड़ी देर बाद दूंगा, क्योंकि बिना नहाए आराम से फैल कर आलसियों की तरह गोबर की तरह पसर कर टीवी देखने का अपना ही एक अलग मजा है। और वैसे भी तुम्हारे बाबा जी कह गए हैं कि तन में क्या रखा है मन साफ होना चाहिए, नहाए धोए क्या भया, सुनो पते की बात कह रहा हूँ, नहाए धोए क्या भया जब मन का मैल न जाए और मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। मेरे बाबा जी को कुछ मत कहिए, मैं कह रही हूँ। चिंकी पुत्र बेटा सवेरे सवेरे गेम शेम लेकर बैठ गए, जाओ जाकर नहा लो, आपको स्कूल जाना है नए साल की किताबें लेने। अरे मम्मी अभी मेरा गेम शुरू है ना, और आप ही तो कह रहे थे कि कोई भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो गेम तो अधूरी नहीं छोड़ूंगी, है ना पा? यस पा। अरे क्या यस, देखो आपने बिगाड़ कर रखा है उसको, अब मेरी कोई बात नहीं सुनेगी। देखो बिगाड़ने का ठेका सिर्फ बेटों के लिए ही नहीं है, बेटियों का भी उस पर हक बनता है, और वैसे भी थोड़ा बहुत बिगाड़ने का अपना ही एक अलग मजा है ना बेटू? आपसे तो बहस करना बेकार है। अगर बहस करना बेकार है तो इतनी देर से मुझसे बहस क्यों कर रही हो? तो बहस करने से पहले ही सोच लेना चाहिए था कि इनसे बहस करना बेकार है। टंडन साहब प्लीज नहा लीजिए ना, प्लीज मुझे अभी कपड़े धोने, मुझे बहुत लेट हो। दूसरे बाथरूम में धो लो। मैं दूसरे बाथरूम में कपड़े नहीं धो सकती क्योंकि वहाँ पानी जमा हो जाता है। अब आलस छोड़िए और नहा लीजिए। दुनिया के जितने जीनियस थे ना वो सब आलसी थे, ये पानी के पीछे नहा धो के हाथ धो के पड़ गई हैं। बर्तन धोना है, बाथरूम धोना है, ये धोना है, वो धोना है। चिंकी तुम अपने पति को कभी इस तरह से परेशान मत करना। मैं शादी नहीं करने वाली हूँ पापा। नहीं नहीं मतलब थोड़ा बहुत परेशान करना, पतियों को भी तो लगना चाहिए कोई उन्हें परेशान कर रहा है, वो शादी जुदा है। हाँ पा। इस बार मुंबई में भीषण गर्मी के कारण शहर के कुछ इलाकों में हो सकती है पानी की भारी कटौती। जल ही जीवन है, इसलिए जल का दुरुपयोग बिल्कुल भी ना करें। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वक्त में जल के लिए छिड़ सकती है जंग। ये बिल्कुल सही कह रहा है, हमें पानी की कद्र करनी चाहिए। हाँ पा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? एक सेकंड। अरे नीतू, अगर तुम्हारी सब्जियों ने नहा धो लिया हो, सोना स्टीम जकूजी ले लिया हो तो नल बंद कर दूं? बल्ली मैं तुझे कॉल करती हूँ। मुंबई में पानी की भयंकर कमी हो, तुम धड़ल्ले से पानी इस्तेमाल कर रही हो। सॉरी। देखा नहीं टीवी पे लोग पानी के एक बूंद के लिए लड़ रहे हैं। आप घर के बाहर मत जाइएगा प्लीज। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि पानी की कटौती है तो जरा संभाल के किफायती तौर पे इकोनॉमी संभल के पानी इस्तेमाल करो, वरना बाहर लड़ाई हो ना हो घर के अंदर जरूर लड़ाई शुरू हो जाएगी, पानी पथ की दूसरी लड़ाई। नहीं नहीं लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं कर सॉरी। ठीक, ये हिसाब नहीं मिल रहा है फिर से क्या? काका मोटर्स का ये क्या है? मैं डस्टबिन हूँ। नहीं तो कौन बोला? इसे साफ कौन करेगा? विनंती है ना, साफ कर देगी। ठीक है, विनंती साफ कर लेगी, लेकिन तुम अपने आप को कब साफ करोगे? नहाना नहीं है, थोड़ी देर बाद में नहा लूंगा तो क्या हो जाएगा रूपल? अभी अगर नहा लोगे तो क्या हो जाएगा परिमल? ये हिसाब कर रहा हूँ तो बाद में नहा लूंगा ना। हिसाब बाद में कर लेना, अभी नहा लो। पानी तो बाद में भी मिल सकता है ना, अभी हिसाब करने दो। परिमल अभी नहा लो, पहले हिसाब करने दो। नहाना है। ठीक है भाई, इधर ही नहला दो मुझे। ये लेडीज लोग तुम कभी समझोगे ही नहीं के अभी वापस कैसे मिलेगा ये? ओहो
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.